चाय का नाम सुनते एकदम दिल खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। मैडम चाय समोसा हो जाए। वाह वाह वाह। ओह नो। एक बार इत्तेफाक से इनके पास चाय आई तो काफी लजीज थी, तो इन्होंने कहा कि ये सीनियर्स वाली चाय है। तो तब से ये वेट करते हैं कि जब भी सीनियर्स की चाय बने तभी उन्हें मिले। हाँ, बाद में जब इनको चाय मिली तो बिना दूध वाली चाय थी, सिर्फ चाय पत्ती घोल के डाल दिया था। उसके बाद से इन्होंने दो कैटेगरी बना दिया, एक वो और एक ये। प्रधान जी कहाँ जा रहे हैं आप? चीज ये है कि ऑफिस में कोई क्या सोचता है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। वेल, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें जो तुम लोगों का आरोप है कि मतलब जो लोगों का आरोप है कि ना कि सीनियर्स के लिए अलग चाय बनती है, जूनियर्स के लिए अलग बनती है। क्या आप चाय पीते हैं? मुझे पता है आप जरूर चाय पीते हैं। मेरे ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीते हैं। अब मौसम भी बाहर सुहाना है और चाय के चटकारे लेने वाले भी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। आज हम इन्हीं से इनके पुराने किस्से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई चाय के चक्कर में, क्योंकि ये लोग काम भी छोड़ देते हैं, एक आधी स्क्रिप्ट भी कम रह जाती है इन लोगों के पास। न्यूज रूम में एकदम खुशनुमा माहौल है और हम चलते हैं धीरे धीरे एक एक के पास और बातचीत करेंगे इन लोगों से। क्यों मुस्कुरा रही हैं आप इतना? चाय का नाम सुनते एकदम दिल खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है और ज्यादा काम करते हैं हम। तो अभी तो आप मुझे 2-3 घंटे पहले ही ज्ञान दे रही थी कि चाय अब मैं छोड़ दूंगी, वही मैं मोटी हो रही हूँ, ये वो। बट जैसे ही आपने ये टॉपिक चूज किया ना, और मौसम एकदम बाहर खुशनुमा हो रहा है, तो मुझे लगा चाय के साथ समोसा तो आज तो बनता है। बनता है, बिल्कुल बनता है बॉस, बिल्कुल बनता है। आज समोसा इस खुशी में बनता है कि आज हमारे ऑफिस में एक लड़के का जन्मदिन है। अनिकेत का बर्थडे है। चलो, अनिकेत ने समोसे भी मंगवाए हुए हैं। अनिकेत, चाय का इंतजाम है या नहीं है? कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे? रुकिए जरा, अनिकेत तो कोल्ड ड्रिंक पिलाने के मूड में है। क्यों अनिकेत, चाय से दुश्मनी है क्या? नहीं, चाय से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम है तो भाई कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही है। अच्छा, गर्मी बाहर बारिश हो रही है तो बाहर बारिश हो रही है, अंदर गर्मी है ना, काम की गर्मी है इतनी। काम की गर्मी है। बता दो सुबह से कितने पैकेज लिख लिए हो फिर? अरे भाई, 3-4 पैकेट देख चुका हूँ सुबह से। ये देखिए, ये बताइए सर, आप खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनिकेत जो है साफ झूठ बोलता है ना मुंह पे। चार पैकेज वो 2 दिन का मिला के बता रहा हूँ। मैं इसका पड़ोसी हूँ ना, मैं पड़ोसी हूँ, तेरा हर ख्याल रखता हूँ। इसलिए मुझे देते हो, मेरे काम पे ध्यान देते हैं। ये देखिए, मैं तो काम वाम नहीं हो पाएगा। पड़ोसी हमेशा दूसरे पे ही नजर रखती है अपने। आपको तो इतना समय हो गया है काम करते, कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको चाय के उस पर याद आ रहा हो, कोई सुनाना चाहेंगे इन लोगों को? चाय के किस्से के बारे में आपको बताऊं कि मैं हैदराबाद जब मैं 18 में था, तो हम लोग शिफ्ट जब ओवर होती थी तो हम लोग 11:30 बजे ऑफिस से निकलते थे और 12:15 बजे करीब हम लोग अपने स्टॉप पे पहुंचते थे। बस से हम लोग ड्रॉप करते थे वहाँ पर, ऑफिस का बस ड्रॉप कर। उसके बाद हम लोग रात में जैसे मूड बन गया, 4-5 लोगों का अपना ग्रुप बनाया और चले गए चाय पीने, और पैदल ही निकल गए चाय पीने के लिए। अब चले देखेंगे, जहाँ भी नुक्कड़ खुला होगा वहीं पर जाके अपना चाय पीते थे, और आराम से हम लोग 2 बजे तक 2:30 बजे तक चाय पी के पता चले बैठे कि मैं और एक बार एक कप और चल जाए चाय। ये चाय से जुड़ा हुआ ना एक किस्सा मुझे भी बहुत अच्छे से याद आ रहा है, और ये जो मेरे कैमरा पर्सन, सीनियर कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ना, हम लोग थे इलेक्शन की बहुत भारी भरकम धूल मिट्टी बाहर खा रहे थे, और ये शूट खत्म होते ही, लाइव खत्म होते ही मुझसे कहते हैं मैडम चाय समोसा हो जाए। वाह वाह वाह, पूरी शर्ट पूरी पैंट एकदम पसीनों से भीगी हुई है और ये मुझसे कहते हैं मैडम चाय समोसा हो जाए। हालांकि अभी ये कैमरे के पीछे हैं तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। हम लोग PCR में आ गए हैं। ये देखिए भट्टाचार्य जी, इनको देखिए ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे रुकिए, नहीं रुकिए ना, अरे रुकिए
ये आ गए, ये देखिए विजन सर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने इन लोगों को ना पहले टॉपिक बता दिया था, तो इन लोगों का ये था कि मैडम मेरे पास मत आइएगा। क्या हुआ सर? ये देखिए विजन सर आ गए, ये तो पक्का अपलोड होगा। सुनिए सर, अब मैं आपके पास आ गई हूँ। हम लोग जब मुद्दा इन लोगों को बता रहे थे ना कि आज चाय पे चर्चा होगी, तो विजन सर ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया था। ऑफिस में दो चाय की कैटेगरी है, क्या है वो कैटेगरी सर? कैटेगरी मुझे नवेंदु ने बताई थी। एक बार इत्तेफाक से इनके पास चाय आई तो काफी लजीज थी, तो इन्होंने कहा कि ये सीनियर्स वाली चाय है, तो तब से ये वेट करते हैं कि जब भी सीनियर्स की चाय बने तभी उन्हें मिले। हाँ, मैं तो जो मिलती है उसमें खुश रहता हूँ। जो मिलती है, हाँ, चाय जो ऑफिस में बनती है वो अच्छी होती है या नहीं? नवेंदु आ गए हैं, चाय नहीं है। हाँ। एक बार ये आए थे, इनको चाय मिली ही नहीं थी ऑफिस में। हाँ। जिसके कारण ये परेशान हो गए। बाद में जब इनको चाय मिली तो बिना दूध वाली चाय थी, सिर्फ चाय पत्ती घोल के डाल दिया था। उसके बाद से इन्होंने दो कैटेगरी बना दिया, एक वो और एक ये। सबसे बड़ी बात ये है कि नवेंदु चाय नहीं पीते, वो बुलाइए, अंकित को बुलाइए जो हमारे खाते हैं सुबह सुबह। अंकित और जो चाय देते हैं उनको भी, वो गीता चाय मैं बहुत कम ऑफिस में पीता हूँ, तो मुझे कुछ टेस्ट का इतना पता नहीं। जो लोग ज्यादा पीते हैं चाय उनसे आप पूछ सकते हैं। सर इतने हंस क्यों रहे हैं? आपकी तो हंसी नहीं रुक पा रही है, देखिए। विजेंद्र जी की बातों पे हंस रहा हूँ। दो क्वालिटी की चाय, चाय वाले मुद्दे को लेके दो क्वालिटी की जो चाय है, अक्सर विजय जी बोलते रहते इस बात को डिबेट में, हम लोग साथ में बात करते हैं। चलिए सीनियर सर भी अभी हमारी वाली कैटेगरी हमारी वाली तरफ ही है। प्रधान जी कहाँ जा रहे हैं आप? मुद्दा नहीं, हम लोगों ने इनसे बातचीत करी और ये सीनियर्स पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ऑफिस में दो कैटेगरी की चाय है, एक है सीनियर वाली चाय और एक है यहाँ की पे जो हम जैसे लोग हैं वो। सीनियर्स को काली चाय मिलती है, इनको सीनियर्स को दूध वाली चाय मिलती है, ये बोल रहे हैं। कैसी नहीं, चाय नहीं, सब ब्लैक टी मिलती है, यहाँ पे दूध वाली बांटी जाती है। अग्री कौन कर रहा है इस बात को? गार्गी मैम जरा आएंगी आप सपोर्ट में? आएंगी, बोल रहे हैं कि सीनियर्स को दूध वाली चाय नहीं काली चाय मिलती है, ऐसा रघुवीर सर का कहना है। बात नहीं है, सीनियर्स को काली चाय मिलती है, आई एग्री, पर दूध वाली ज्यादा होती है, हमारे इसमें पानी ज्यादा होता है। ये देखिए मोनिका मैम भी हंस रही है। मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में बहुत तगड़ा है। मैंने ये देखा है अक्सर ऑफिस में होते हुए कि चाय दो तरह की बनती है और अक्सर लोग वेट करते हैं उस चाय का जो बॉसेस के लिए बन रही होती है, क्योंकि उसकी बच्चे तो मिल जाए, उसकी सुगंध, उसका रंग, उसका कलर सब अलग ही होता है। ये देखिए हमारे कैमरा पर्सन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं ये आरोप, मतलब आप सीसीटीवी से चेक कर सकते हैं। ये आरोप किचन में नहीं है सीसीटीवी, ये देखिए। आप पत्रकार हो, आप बिना तथ्यों की बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैंने खुद भी देखा है सर अभी, लेकिन मैं इस बात की अच्छे से पुष्टि करूंगी। चलते हैं हम जरा, रघुवीर सर मैं चाहती हूँ आप चलिए जरा हमारे सीनियर्स के पास, जरा मेरी टोली आइए, जरा मेरे पिसाज चलिए, हम जरा तो 3-4 लोग होंगे ना तो हम थोड़ा भारी पड़ेंगे। पार्शलिटी, हाँ, यहाँ पे ये चाय के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। सर आइए 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 आइए, 3-4 में सर मैं आ रही हूँ क्योंकि हम 10 के बराबर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे अरुण सर और संदीप सर हमें दिख रहे हैं। सर उधर के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि चाय की दो कैटेगरी हैं। अच्छा। पहली कैटेगरी सीनियर वाली चाय और एक है एम्प्लॉय वाली चाय। सीनियर वाली चाय में ये है कि उन लोगों को ज़्यादा दूध वाली चाय मिलती है और इस बात पे बहुत लोगों ने अग्री की है। अच्छा, क्या तो आप, कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर और चाय में दूध इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों को पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरी है। हम लोग ओल्ड एज कैटेगरी में, आप लोग अगर आप लोग वो वीगन होना चाहिए, यंगस्टर्स जो हैं वो वीगन हो जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इसलिए जहर है वो सीनियर्स ले रहे हैं और अमृत है जो जूनियर्स को दिया जा रहा है। ठीक है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? और बोल रहे हैं कि पार्शलिटी हो रही है, जब बॉसेस की चाय बनती है तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ बचा कुचा हम लोगों के भी हिस्से में आ जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑफिस में कोई क्या सोचता है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पास किए हैं कि चाय कैसे बनानी है या किसको किस कैटेगरी की चाय देनी है, तो ये अपने आप वो बनाने वाला तय करता है कि बॉसेस को वो किस तरीके की चाय बना के देगा और बाकी सबॉर्डिनेट्स को किस तरीके की चाय बना के देगा। अच्छा, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ, आप आइए। एक सीनियर भी है,
इनका आरोप है कि हम लोग बहुत ज्यादा दूध वाली चाय पीते हैं। एक मिनट आप एक मिनट हाँ, ये देखिए ये इसमें कितना दूध है सर, ये तो ब्लैक के लिए है। जी नहीं, ये काली चाय है। देखिए देखिए इसमें दूध नहीं, इसकी मैं थोड़ा सा बता दूँ। अभी मुश्किल से एक हफ्ता इस बात को हुआ है, मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आपने मीठा खाना छोड़ दिया है, तो सर ने कहा हाँ मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। तो मैंने पूछा सर कितना समय हो रहा है, समय हो गया आपको मीठा खाए हुए, तो सर कहते हैं अभी 2-3 दिन ही हुआ है, लग रहा हूँ ना कुछ कमज़ोर सा मैं। तो सर ये बताइए आपने सच में मीठा खाना छोड़ दिया या दूध वाली चाय भी पीना छोड़ दिया? वेल जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो तुम लोगों का आरोप है कि मतलब जो लोगों का आरोप है कि ना कि सीनियर्स के लिए अलग चाय बनती है, जूनियर्स के लिए अलग बनती है, ये एकदम निराधार है, ये गलत आरोप है। और उसमें फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा चीनी डाल करके, एक्स्ट्रा उसमें डलवा करके तमाम चीज़ें पीना चाहते हैं, इसलिए उनकी अलग से बनती है। बल्कि हमारा आरोप है कि अच्छी चाय उन लोग बनती है, हमारे में चीनी नहीं होती, पत्ती तेज़ होती है, कम दूध होता है, खाली पानी होता है, यानी कि हमारी चाय जो है ना वो क्वालिटी वाइज घटिया है। हाँ, तो इस बात को आप ठीक ढंग से पहुँचाइए और कहिए जो आरोप हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं। और ये देखिए मेरी मेरी मेरे ब्लैक टी, ये ब्लैक कॉफी। सर आपकी बात का समर्थन वहाँ पर अभी कर कर आए हैं, आपके लिए लड़ रहे थे। नहीं तो सच्चाई को समर्थन की जरूरत कहाँ है, वो तो सच्चाई तो सच्चाई है। देखो ऑफिस में जो ये सीनियर और जूनियर के बीच में चाय की लड़ाई है, मुझे तो नहीं लगता कि ये खत्म होने वाली है, क्योंकि सीनियर्स कह रहे हैं कि इन लोगों की चाय ज़्यादा बेहतर बनती है क्योंकि हम लोग कम चीनी पीते हैं। और वहीं सीनियर्स जूनियर से बात बोल रहे हैं कि जो बॉसेस की चाय होती है वो एकदम शानदार होती है दूध वाली। तमाम लोगों ने हमें अपनी बात बताई, अब हम आपसे अगली बार मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आज चाय पे हम लोगों ने बातचीत करी है, नया मुद्दा अब अगली बार आपके लिए न्यूज़ रूम से सोच के लाएंगे कि भाई किस पर वीडियो बनाई जाए, सो दैट कि ये जो खुशनुमा माहौल आप इस वक्त न्यूज़ रूम में देख रहे हैं यही बना रहे। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।